हेलो गाइस, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं चीप यानी कि ₹20 डॉम्स कलर पेंसिल्स वर्सेस एक्सपेंसिव यानी कि ₹140 फैबर कैसल कलर पेंसिल्स। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि ₹140 एक्सपेंसिव थोड़ी होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ₹140 की कलर पेंसिल्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ₹140 की कलर पेंसिल्स खरीदेंगे तो क्या आपके लिए वर्थ होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैबर कैसल की 12 बाई कलर पेंसिल्स विद 24 शेड्स और इनकी MRP है ₹140। परी मार्केट से हमें ₹120 की मिल जाएंगी और इनकी शेड काफ़ी अच्छी है और ये स्मूथ भी हैं। अगर आपको रियलिस्टिक बनानी है ड्राइंग तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और इसकी शेडिंग मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और इसकी लेंथ है 174 मिलीमीटर। डॉम्स की पेंसिल्स हैं ये। हमारे पास 12 शेड्स मिल जाती हैं इनकी और इसके अंदर हमें एक शार्पनर और एक पेंसिल एक्सटेंडर भी मिल जाएगा। ये सिर्फ ₹20 की मिल जाती है हमें मार्केट से और ये बहुत ज़्यादा चीप हैं। अगर हमें कोई बिगिनर है, हमें अभी स्टार्ट करी है शेडिंग, हमें कुछ अभी ऐसे ही बनाना है, तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं मार्केट से। 6 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब हम इनका शेडिंग डिफरेंस देखेंगे। तो ये फैबर कैसल की 12 बाय कलर पेंसिल्स हैं। ये कुछ इस तरह की हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये हैं 12 बाई कलर पेंसिल्स विथ 24 शेड्स। तो अब हम डॉम्स भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर हमें एक बॉक्स मिल जाता है, मैंने काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो अब हम शेडिंग करेंगे इनसे। तो ये है फैबर कैसल कलर पेंसिल। तो अब हमारे पास है ये डॉम्स की डार्क ग्रीन कलर पेंसिल। अब हम इसे भी शेडिंग करेंगे। तो ये मैंने कर दिया है दोनों में ग्रीन कलर से शेडिंग। और अब इनकी हम ब्लेंडिंग करके देखेंगे विद वाइट कलर। तो ये मैंने डोम्स की पेंसिल कर दिया है, पर इसका अभी भी थोड़ा थोड़ा रफ सरफेस है। इसका सरफेस काफी स्मूथ आ रहा है। तो ब्लेंडिंग करने के बाद वाइट कलर से कुछ ऐसे लग रहे हैं, जिसमें फैब्रिक कैसल का सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ आ रहा है पर डॉम्स का थोड़ा थोड़ा रफ है। अब हम करेंगे पिंक रेड कलर से। इसमें रेड कलर का पिगमेंट काफी अच्छा है। इसके अंदर 24 शेड्स हैं। अगर आपको और शेड्स चाहिए तो ये और शेड्स में मिल जाती हैं, 36 शेड्स और 40 शेड्स भी। उसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको, स्किन टोन्स मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा पिगमेंट आ रहा है, फुल्ली रेड। तो अब हम करेंगे डॉम्स की रेड कलर पेंसिल से। इसका पिगमेंट थोड़ा पिंक टाइप है, ये रेड और पिंक का मिक्सचर लगता है इसका रेड। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकेंड लेयर। इसका सरफेस है वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं आ रहा, पर जो फैबर कैसल की पेंसिल है वो चलाने में भी इतनी स्मूथ लगती हैं। डॉम्स की पेंसिल थोड़ी रफ रफ है, पर डॉम्स भी काफी अच्छा है बिगिनर्स के लिए, अगर आपने अभी स्टार्ट करनी है पेंसिल से शेडिंग, कलर शेडिंग, तो आप डॉम्स खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ ₹20 के मिल जाएंगे, पर अगर आपको आती है, आपको और अच्छे से करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रियलिस्टिक टाइप बनानी है, तो आप फैबर कैसल खरीद लीजिए। पिगमेंट ज्यादा फैबर कैसल का अच्छा है और ये काफी डस्ट भी छोड़ता है।
तो अब हम इस डस्ट को हटा लेते हैं, एक बार ब्रश से शेडिंग करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्लैक कलर का पिगमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हेयर्स के लिए, अगर आपको हेयर्स ग्रो करने हैं। तो ब्लैक कलर देख लेते हैं हम। आपको अभी भी कुछ यहाँ पे व्हाइट व्हाइट डॉट्स दिख रहे होंगे, बस छोटे छोटे, बस इसमें यही दिक्कत है कि ब्लैक हमें ज़्यादा डार्क चाहिए रहता है, वो इतना डार्क मिल नहीं पाता हमें, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। हम देखते हैं डॉम्स का ब्लैक, इसके ब्लैक का टेक्सचर कुछ ऐसा आ रहा है। हम एक बार दोबारा इसके ऊपर लेयर कर लेते हैं, लेयर करने के बाद भी इसमें इतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। एक बार ब्रश से शेड करके देख लेते हैं, शेड करने के बाद तो इससे बहुत ज्यादा डस्ट निकल रहा है। हम करते हैं फेवर कैसल। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये हमने करे हैं फेवर कैसल, और नीचे वाले किए हैं हमने, देखिए इसकी लेड भी ब्रेक हो गई डॉम्स है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको करके दिखा दिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या फेवर कैसल पेंसिल्स वर्थ होंगी डॉम्स कलर पेंसिल से? तो हाँ, अगर आप ये पेंसिल्स खरीदेंगे तो बिल्कुल वर्थ होंगी। ये सिर्फ हमें 140 रुपीज की मिल जाती हैं, और इनसे आप आर्टिस्टिक रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाएंगे आसानी से। अब ये आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसी ड्राइंग कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा स्मूथ चाहिए, स्मूथ शेडिंग, सबको स्मूथ ही चाहिए रहती है शेडिंग, तो आप फेवर कैसल जरूर ट्राई करिए, और एक बार आप डॉम्स से ट्राई करके देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पे नए हो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों को।